नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव में, हमारे साथ हैं प्रमुख आरटीआई एक्टिविस्ट सागर खारी जी। आजकल केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार है, उन्होंने आरटीआई में काफ़ी बदलाव किए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, मुझे ये बताइए, जैसे कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं आम लोगों के लिए, अभी तक आपने कितनी आरटीआई जो है डाल दी हैं? जी, संख्या बताना तो व्यवहारिक मैं नहीं समझता व्यवहारिक है, लेकिन सैकड़ों आवेदन मैंने विभिन्न केंद्रीय लोक प्राधिकरण, राज्य लोक प्राधिकरण या अन्य तीसरे पक्ष से संबंधित आवेदन मैंने प्रेषित किए हैं, और जिनमें 60 से अधिक मामलों में मुझे सफलता हासिल हुई है। सर, आपने करीब 7 साल से आप एक्टिविस्ट हैं, आप काम कर रहे हैं आम लोगों के लिए, जो करप्शन के मामले हैं उनका खुलासा कराने में लोगों की सहायता करते हैं, तो आपको अभी तक कहां कहां दिक्कतें आई हैं? जी, दिक्कतें इसमें विभिन्न किसी एक पर्टिकुलर विभाग के लिए में तो मुझे नहीं आई है, लेकिन कुछ विभाग आज भी ऐसे हैं जो इस, आप देखोगे 2005 में भारतीय संसद ने इस कानून को देश में लागू किया अखिल भारतीय स्तर पर, फिर भी मेरा जो अनुभव है 7 वर्षों का, कुछ विभाग हैं जहां आरटीआई कानून आज भी काम नहीं कर पा रहा है। वो मेरा जो अनुभव रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जी के आपका जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर के स्थानीय स्तर की यदि मैं बात करूं, तो काफ़ी उदासीनता, इस कानून की अवज्ञा की भावना व्यापक तौर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर में आज भी विद्यमान है। लेकिन हमें जो तत्कालीन भारत सरकार ने मानसून सत्र में जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लेकर आए हैं, उसने एक आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत निराश किया है। मसला एक आरटीआई कार्यकर्ता समाज के व्यापक है, मुख्य यदि मैं कहूँ भारत जैसे विकसित देश में भ्रष्टाचार एक दानव है, उसके विरुद्ध लड़ाई वो लड़ता है और ये प्रमुख हथियार है। लेकिन आपने विगत वर्षों में देखा होगा, सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले, बिहार उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं का शोषण किया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमे आरोपित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में मुझे अपेक्षा थी कि भारत सरकार हम जैसे हजारों आरटीआई कार्यकर्ताओं, आरटीआई एक्टिविस्टों की सुरक्षा के लिए, सहूलियत के लिए कुछ प्रावधान अमेंडमेंट लाएगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से उस बिंदु पर या उस विषय पर विचार नहीं किया, ना ही सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का कोई सुझाव आमंत्रित किए गए। तो सर, जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, कई बार उन पर आरोप लगते हैं कि ये जो है अवैध उगाही करते हैं या कुछ, और उनके अपने जो कुछ स्वार्थ होते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है अफसरों के द्वारा। जी, हर पक्ष के, हर समाज के विविध पक्ष होते हैं, विविध परिणाम निकलते हैं, मनुष्य है, गलतियां उससे हो जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता आरटीआई कार्यकर्ता कि अपने निजी स्वास्थ्य के लिए या मनी एक्सटॉर्शन के लिए, जैसा कि मुझे मालूम है, आरोप लगाता है प्रशासन, ये एक विक्टिमाइज किया जाता है सूचना का अधिकार कार्यकर्ता को, तो सूचना नहीं देनी पड़ी, जिससे कि डिमोरलाइज या कि उनकी जो करतूत हैं, भ्रष्टाचार है, अनियमितताएँ हैं, उदासीनता है, वो सार्वजनिक ना हो और उन पर कोई दंड ना हो, दंडनीय कार्रवाई ना हो पाए, तो सूचना का अधिकार कार्यकर्ता को ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जाती रहे और आप आराम से मौजूद आए, भ्रष्टाचार मचाएं। सर, आप पुराने एक्टिविस्ट हैं, तो अभी तक आपने जो देखा होगा, लगभग कितने जो इसमें आवेदन किए जाते हैं पूरे देश में, और जो सबसे ज़्यादा आवेदन किस विभाग से संबंधित होते हैं, मतलब किन किन समस्याओं को लेकर लोगों के द्वारा सूचनाएँ मांगी जाती हैं? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है ओमदेव जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, मुख्यतः तो लोग व्यक्तिगत आवेदन देते हैं, मसलन जैसे विभिन्न योजनाओं में सामाजिक आर्थिक योजनाएं होती हैं, तो उनके लाभार्थी चयन होते हैं, तो चयन के मानदंड से संबंधित, या किसी व्यक्ति ने राशन कार्ड के लिए, डीएल के लिए आवेदन किया, उसको अनुगति जारी नहीं हो पा रही है, उसके कार्य में देरी हो रही है या प्रशासनिक अड़चन है, तो उसके संबंध में आवेदन जारी होते हैं। दूसरी जो मामले आरटीआई में जो आते हैं, वह सार्वजनिक रोड निर्माण को लेकर या किसी निर्माण कार्य की सामग्री को लेकर, राशन वितरण को लेकर, जी हाँ जी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित आवेदन आते हैं कि सरकार एक कोटेदार को कितना राशन जारी करती है, किस मानदंडों पर, पात्रता क्या है, किस श्रेणी के लिए कितना राशन है, या सरकार कंसाइनमेंट कब भेजती है, या उसके लिए क्या प्रणाली है, तो उससे संबंधित पारदर्शिता से जुड़े बिंदुओं पर आरटीआई आवेदन आते हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएँ, और मुख्य तो बिंदु में भ्रष्टाचार ही होता है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट होता है, वो एक आम आदमी होता है,
उसके साथ में ना कोई सुरक्षा होती है, ना पुलिस वाला होता है, ना कोई उसको अलग से कोई सुरक्षा दी जाती है, जबकि वो एक जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ वो, उनकी मतलब सीधी सी बात है कि जो करप्ट लोग होते हैं उनकी खाट के नीचे आग लगाने का काम करता है एक RTI एक्टिविस्ट। ऐसे में जो है सरकार कई बार उनकी उनकी जो समस्याएं हैं, जो RTI एक्टिविस्ट होते हैं उनको सेफ्टी की सबसे बड़ी उनका मुद्दा होता है, तो सरकार उनकी जो सुरक्षा को लेकर क्यों इतनी गंभीर नहीं है? जी हाँ, इस विषय में मेरा अनुभव काफ़ी कड़वा रहा है। लगभग एक दर्जन से ज़्यादा मामले मेरे साथ विगत 7 वर्षों में घटित हुए हैं जहाँ मेरी पहचान सार्वजनिक कर दी गई। मसलन अग्निशमन विभाग गौतम बुद्ध नगर हो, या आपका खेल क्रीड़ा विभाग जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय हो, जहाँ मेरी सूचना न देने के बजाय जिस पक्ष से सूचना दी जानी अपेक्षित थी उसको मेरी पहचान सार्वजनिक कर दी गई और निजी माध्यमों से मुझ पर दबाव आरोपित किया गया। और मेरे ही साथ क्या, देश के हज़ारों सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, उनके साथ भी अक्सर ऐसा होता है। उनकी पहचान जिन व्यक्तियों से, जिन संगठनों से या जिस विभाग से उनको खतरा होता है RTI या कार्यकर्ता को, उसकी पहचान नाम पता एड्रेस जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा या वे ऐसी कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं थी 2005 अधिनियम में कि उनको एक स्वच्छ साफ सुथरा परिवेश मिले। विशाल जी मुझे ये बताइए, जो एक RTI एक्टिविस्ट होता है जब वो किसी डिपार्टमेंट में RTI डालता है, वो सूचनाएं मांगता है, तो अक्सर वो निशाने पर रहता है अफसरों के, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराए? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर जो भ्रष्टाचार मुक्त अगर राष्ट्र की और समाज की स्थापना अगर की जा सकती है तो RTI एक्टिविस्ट उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है। और मैं समझता हूँ कि ये तंत्र, भ्रष्टाचार तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि जैसे देश की सरहदों पर दुश्मन से लड़ने का काम भारतीय जो जवान है, सेना है, वो करती है, ऐसे भ्रष्टाचार जो तंत्र है उससे लड़ने का काम RTI एक्टिविस्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि RTI जो एक्टिविस्ट होता है ये इसको सुरक्षा मुहैया कराने की उतनी ही आवश्यकता है जितना एक केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री को आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे एक जो तंत्र है जो विकसित हो चुका है, जो भ्रष्टाचार तंत्र विकसित हो चुका है उससे लड़ने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि RTI एक्टिविस्ट जो होते हैं उससे लड़ने काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको उसी तंत्र से जान माल का खतरा होता है, तो इसलिए इन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की अति आवश्यकता है। विशाल जी मैं आपको बता दूं, जब RTI एक्ट आया था 2005 में, उसके बाद से हम RTI के जरिए ही 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बहुत सारे जो करप्शन चल रहा था हमारे देश में, जो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया था, उस जो करप्शन का खुलासा RTI के जरिए ही हुआ था और पहले की सरकार को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब हमारे देश में जो करप्शन कम तो हुआ नहीं है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कानून है RTI का, क्या लगता है आपको, क्या मोदी सरकार ने उस करप्शन को ना खुलासा हो उस करप्शन का, या उसकी सूचना लोग ना मांगे, क्या इसीलिए मोदी सरकार ने उस कानून को कुंद कर दिया है आज? आपने एक बात कही अभी करप्शन को विषय को लेकर के, करप्शन कम नहीं हुआ। अगर किसी भी राष्ट्र की बात करें, करप्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता पूरी तरह, चाहे वो अमेरिका जैसा विकसित देश क्यों ना हो। लेकिन चूंकि हम अपने भारत के जो राष्ट्र के विषय में अगर बात करें, तो जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं अभी तक की नीतियों से, वर्तमान जो नीतियों से अभी तक मैं सहमत हूं, पर चूंकि जो बात चल रही है कि भाई RTI की जो अगर उसमें अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह है कि जो RTI एक्टिविस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं उदासीन करने का काम किया जा रहा है। मतलब जो हथियार है एक आम आदमी का, उसको कुंद करने की कोशिश की गई है, कुंद करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं यह है कि राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करेंगी। मतलब ये है कि जो हमारे देश में करप्ट लोग हैं, जो यहाँ पे माल लूट कर जा रहे हैं, तो उनकी जो सूचनाएं हैं, अब जो आम आदमी जो सूचना मांग लेता है आसानी से, वो उसको काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। बिल्कुल मुश्किलें आएंगी, और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया की, जो सरकार का तानाशाही रवैया है उसको ये आगे बढ़ाने का काम, जो एजेंडा ये इसको अमेंडमेंट करना, ये तानाशाही जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये तानाशाह है। तो क्या लगता है आपको, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं बड़े बड़े, जो सरकारें चली जाती हैं, लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ती है, सरकारें छोड़नी पड़ती हैं, लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, तो क्या लगता है ऐसे जो करप्ट लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा आप जो इस बदलाव से? मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने सेक्शन 27 का इस्तेमाल करते हुए सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन किया है। जो संशोधन केंद्र के मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की पद सेवा नियमावली से संबंधित किया गया है। राज्यों के मामले में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सर्विस कंडीशन, टर्म्स और सेवा काल, पदावधि के विषय में संशोधन किया गया है। और मैं समझता हूँ इसका कुल मिलाकर नकारात्मक प्रभाव ही आएगा।
कि जब मुख्य सूचना आयुक्त के आप सेवा संबंधी आप नियम बनाएंगे, वेतन भत्ते संबंधित आप नियम बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें हतोत्साहित किया जाएगा। सर, सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है आपसे, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट होता है वो एक आम आदमी होता है, जब वो सूचना मांगता है तो उसको खतरे बहुत होते हैं, मतलब उसको सेफ्टी मेन मुद्दा है। मान लो अब जैसा कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर सूचनाएं मांगी जाती हैं आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा, कई बार उनकी जो है जान पर बनाती है, उन पर हमले होते हैं, उनको सड़क पर मार दिया जाता है, उनको एक्सटेंड करके दिखा दिया जाता है। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता भारत जैसे देश में अपनी जान हथेली पर रखकर सूचनाएं मांगता है किसी विभाग से, और आप हमले नहीं, निर्मम जघन्य हत्या आरटीआई कार्यकर्ताओं की यूपी बिहार वेस्ट बंगाल में हुई है, हमने देखा है, जिंदा जला दिया जाता है। तो ऐसे में यह अति समीचीन आवश्यक था कि सूचना के अधिकार कार्यकर्ता को तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लाभ अलग से, उसकी जीवन सुरक्षा के लिए, आजीविका के लिए, उसको एक लोकतंत्र का प्रहरी माना जाए। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में हम देखते हैं कोई लोक सेवक होता है तो उसको समाज सेवक मानते हुए उनके एक रजिस्ट्रीकरण, राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हो, उनके जो आश्रित हैं उनके बेहतर देखभाल और उनकी शिक्षा दीक्षा, जो उसके आश्रित हैं बच्चे हैं उसके, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता या कोई विद्यार्थी है उसको उत्साहित करने के लिए कोई वेतन पुरस्कार राशि सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए, जबकि हमारे देश में भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई नीति है कि सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं को मानदेय वेतन या संविदा पर उन्हें रखा जाए, सरकार और आम नागरिक के बीच संवाद या पारदर्शिता स्थापित करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई। ये काफ़ी निराशाजनक है मेरे कार्यकर्ता के नाते, और मुझे अपेक्षा है भारत सरकार इस पर संज्ञान लेगी। हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि जो एक आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है आरटीआई एक्ट, इसको कुंद ना करके इसको और मजबूत किया जाए।